मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? गाइस, अ वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट। मेरे पास तुम दोनों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी? यस, जिसे ग्रैब करके तुम में से कोई एक मुझसे पूरे 50,000 रुपए कमा सकता है। 50,000? बट वो कैसे? अरे यार, मेरा एक छोटा सा काम करके। प्लीज, बिना शादी के? व्हाट रबिश? दिस इज नॉट रबिश, मेरी चॉइस है। मुझे शादी और हस्बैंड दोनों से ही नफरत है, और बच्चों से प्यार। तो मेरे पास कोई और रास्ता बचता ही नहीं है, मुझे ऐसे ही जीना है। हेलो हेलो, मैं कंट्रोल रूम से बोल रहा हूँ। 28/2 हरीश पार्क में एक इंसिडेंट हुआ है, तुरंत वहाँ पहुँचिए। सर, पता चला फोन कहाँ से आया? सर, गोलपार के एक पान की दुकान पर लगा थी सी। सर, मैंने दुकानदार से बात करी लेकिन उसे कुछ याद नहीं है। प्लीज, शिप्रा, शिप्रा, क्या हुआ मेरी बेटी को? निपा, शिप्रा, 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 शिप्रा मेरी बच्ची, शिप्रा, प्लीज शिप्रा, शिप्रा मेरी बच्ची, शिप्रा। कोलकाता के हरीश पार्क इलाके में एक 20 वर्षीय लड़की शिप्रा की दिन दहाड़े गला काटकर हत्या कर दी गई, और वो भी उसके अपने ही घर में। घटना के वक्त शिप्रा के अलावा घर में कोई और मौजूद नहीं था। शुरुआती तहकीकात में पुलिस को घटनास्थल से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे हत्या की वजह का अंदाजा लगाया जा सके। लेकिन बीतते वक्त और आगे बढ़ती जांच के साथ जो सच्चाइयां और जो चेहरे सामने आने वाले थे, वो इस मामले को कोलकाता के जुर्म के इतिहास में अपनी तरह के पहले और सबसे अलग मामले का दर्जा दिलाने वाले थे। क्या था यह पूरा मामला, क्यों और किसने की थी यह हत्या, आइए देखते हैं क्राइम पेट्रोल डायल 100 का आज का ये केस। हमारी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं थी, और मेरी तो किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं होती थी। शिप्रा का किसी फ्रेंड से या फिर ग्रुप में किसी से कोई झगड़ा हुआ हो, या उसने कभी छेड़छाड़ या परेशान करने की कोई शिकायत की हो? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ है। और कौन कौन रहता है यहाँ? मैं और मेरी बेटी, बस हम दो ही। आपके पड़ोसियों ने हमें बताया कि आप सुबह से घर पर नहीं थी, कहाँ गई थी? कुछ काम था बाहर मुझे, तो उसके लिए बाहर चली गई थी। जब हम यहाँ पर आए तो चाय के दो खाली कप मिले, और इडली में चाय भी एकदम ताज़ा था। इसका मतलब ये है कि वो जो कोई भी होगा, शायद कोई पहचान वाला ही होगा। कौन कौन आता जाता है यहाँ, मतलब दोस्त या? मेरी तो कोई जान पहचान वाली ज्यादा आती नहीं, बट हाँ, शिप्रा के दोस्त लोग आते जाते रहते हैं, उसके काफी दोस्त है। ये शिप्रा का ही फोन है? आखिरी बात तो आपसे ही हुई है उसकी। जी, मैंने ही फोन किया था उसे, खाना खाया कि नहीं पूछने के लिए। खाने पीने के मामले में भी बहुत ही लापरवाह थी। और ये शुभ्रतो, बंटी, जलब, ये सारे शिप्रा के दोस्त थे। कई कॉलेज के दोस्त थे और कई उसके बैंड के। बैंड? म्यूजिक का बहुत ही शौक था उसे। सारे दोस्तों ने मिलकर म्यूजिक बैंड बनाया था। वो यहाँ घर पे आके मैं प्रैक्टिस करते थे कई बार। लैपटॉप का कार्ड? ये शिप्रा का ही है। मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आता, मुझे नहीं आता। इसका पासवर्ड मालूम है आपको? सर, पड़ोसी में किसी ने भी बाहर वाले को आते जाते हुए नहीं देखा है। घर में भी किसी तरह की लूटपाट या फोर्स एंट्री के निशान नहीं है। आपसे रंजिश का मामला हो सकता है। सर, लड़की की यंग एज देखते हुए प्यार का चक्कर भी हो सकता है।
शिप्रा की माँ भी बहुत यकीन के साथ कह रही थी कि उन दोनों की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। जो चाकू बरामद हुआ है और चाय के कप्स, उन पर फिंगरप्रिंट्स ट्रेस करवाओ। इस लड़की शिप्रा के एक महीने के कॉल डिटेल्स चाहिए मुझे। इसके ग्रुप के सारे फ्रेंड्स को पुलिस स्टेशन बुलवाओ और पूछताछ करो, देखो क्या कहते हैं। ओके और हाँ, मर्डर के टाइम पर इन सारे दोस्तों की लोकेशन वो भी ट्रेस करो। ओके सर। शिप्रा वॉज अ नाइस गर्ल सर, कॉलेज में भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, फिर ये सब क्यों हुआ मुझे तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर उल्टा शिप्रा तो आउट ऑफ द वे जाके दूसरों की हेल्प किया करती थी, और जो भी मिलता था उससे उसका फैन या तो उसका फ्रेंड बन जाता था। दुश्मनी तो बहुत बड़ा वर्ड है सर, बल्कि उसे तो सब प्यार किया करते थे सर। सर शिप्रा के ग्रुप के सभी लड़कों के सेल लोकेशन और कॉल डिटेल्स आ गई है। कुछ मिला? नो सर। सर ठीक है, फिलहाल तो तुम दोनों को जाने दे रहा हूं, लेकिन अगर हमें पता चला ना कि तुमने कोई भी इंफॉर्मेशन छुपाई, देन आई थिंक यू नो व्हाट विल हैपन। गो। सर लड़की की प्राइमरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। फाइनल रिपोर्ट कब तक आने की उम्मीद है? 2 से 3 दिन। और वो चाकू और चाय के कप के फिंगरप्रिंट्स? हमारे डेटाबेस के किसी भी क्रिमिनल से मैच नहीं हुए। मतलब किसी प्रोफेशनल का काम नहीं है। मर्डर का टाइम क्या होता है? दोपहर 1 से 2 के बीच। कम सर, वो फोन कॉल हमारे पास करीब 2:30 बजे के आसपास आया था, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से शिप्रा की मौत 1 से 2 के बीच में हुई। मतलब जब वो फोन कॉल आया था शिप्रा को मरे हुए आधा घंटा हो चुका था। तो फिर उस औरत ने शिप्रा के चीखने की आवाज कैसे सुनी? शिप्रा की माँ शोभा के मोबाइल डिटेल्स की क्या पोजीशन? सर मैंने वो पता कर लिया। सर शोभा के मामले में एक बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड और चौंकाने वाली बात सामने आई है सर। हेलो पुलिस स्टेशन हरीश पार्क में 28/2 में एक लड़की की बहुत चीखने की आवाज आ रही है। वो शायद धूप में है। अब जल्दी से यहाँ आ जाइए ना। आपको अंदाजा नहीं होगा कि पुलिस कंट्रोल रूम में आने वाला हर कॉल रिकॉर्ड होता है। ये रिकॉर्डिंग आप मुझे क्यों सुना रहे? आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं बताया क्या? ये जो आवाज आपने अभी सुनी ना, ये आपकी आवाज है, क्योंकि आपने हमें कॉल किया था। जी वो मेरी आपके मोबाइल फोन की लोकेशन रिपोर्ट, जिसके हिसाब से आप कल यानी 6 तारीख को श्यामपुर गई जरूर थी, लेकिन दोपहर 2:30 बजे के आसपास वापस लौट आई थी, और उसके बाद अपने घर के आसपास ही थी। सीधी सी बात है कि आप प्लानिंग के तहत श्यामपुर गई, वापस खामोशी से लौट आई, अपने घर में घुसी, अपनी बेटी शिप्रा का कत्ल किया, उसके बाद पीसीओ से हमें कॉल किया, और हमारे आने के बाद आप भी लौट आई और चौंकने का नाटक किया, जबकि आपने खुद अपनी बेटी का खून किया था। मैंने अपनी बेटी का खून नहीं किया। अकेले मारा था या कोई और भी था साथ में? मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, नहीं मारा। ऐसे नहीं बोलेंगी ना दीपा? बोलती है, मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा, मैं सच कह रही हूँ। तो क्यों किया था पीसीओ से कॉल? क्यों रचा था वो सब नाटक जबकि शिप्रा पहले ही मर चुकी थी? उसने चलो। अच्छा शुभ, मैं चलता हूँ। अरे ऐसे कैसे, चाय पी के तो जाओ। चलो देखो शुभा, शिप्रा अंदर है, और जब हमें पता है कि शिप्रा हमारे इस रिश्ते को पसंद नहीं करती है, तो मुझे उसके सामने नहीं जाना चाहिए। अरे बच्ची है वो, अगर आप उसे मिलोगे चलोगे नहीं तो वो कैसे समझेगी आपको? अब जब आपको समझेगी तभी तो हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट करेगी ना वो। चलो आ जाओ। शिप्रा सब जानते हैं शिप्रा हमारे इस रिश्ते के खिलाफ थी, अगर हमने पुलिस को खबर कर दी तो पुलिस को ये लगेगा कि हमने अपने रिश्ते के चलते इसे मार डाला है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, पुलिस को बुलाइए प्लीज। शोभा शिप्रा मर चुकी है। नहीं, हमारे कुछ भी करने से ये वापस नहीं आएगी, उल्टा हम फंस जाएंगे, हमारी बाकी की जिंदगी जेल में होगी। हमें यहाँ से निकलना चाहिए। चलो सुनो मेरी बात शिप्रा। उसके बाद नीरज अपने घर चला गया और मैंने पीसीओ से पुलिस स्टेशन में फोन कर दिया। हेलो कंट्रोल रूम यार। हेलो पुलिस स्टेशन, ये यहाँ पर वो हरीश पार्क में 28/2 में एक लड़की की बहुत चीखने की आवाज आ रही है, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए ना। आपका तो मुझे पता नहीं, लेकिन आपकी कहानी सुनकर मुझे शर्म आ रही। एक माँ के सामने उसकी बेटी की लाश पड़ी थी, और उसके बारे में सोचने की बजाय वो अपने प्रेमी की बातों में आकर उसके साथ चली गई। वैसे आपका ये महाज्ञानी प्रेमी नीरज मिलेगा कहाँ? शिप्रा जिस कॉलेज में पढ़ती है वहीं पर उनकी कैंटीन है, शायद आपको
वही मिल जाए। तुम्हारा अंदाजा गलत था कि अगर तुमने अपने वहां होने की बात हमें बताई तो हम तुम पर डाउट करेंगे। डाउट नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि ये मर्डर तुमने ही करवाया है। नहीं सर, मैं भला क्यों मारूंगा उसको? मेरी क्या दुश्मनी हो सकती है उसे? मोहब्बत तो थी ना उसकी माँ से, अपनी बीवी होते हुए। जब भी कोई आदमी दो नावों पर सवारी की बेवकूफी करता है ना तो वो डूबता है, और जब वो डूबने लगता है तो खुद को बचाने के लिए उससे भी बड़ी दूसरी बेवकूफी करता है। शोभा से अपने रिश्ते को छुपाने के लिए उसकी बेटी शिप्रा का कत्ल तुम्हारी वो दूसरी बड़ी बेवकूफी थी। ये सच नहीं है सर, शिप्रा के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है, मैंने उसे नहीं मारा, आप मेरा यकीन कीजिए। शोभा के साथ कब से चक्कर चल रहा है तुम्हारा? एक बछौर। जो आदमी इतने सक्सेसफुली एक साल से अपनी खुद की बीवी का यकीन तोड़ रहा है उसका यकीन कोई बेवकूफी करेगा, हम नहीं। शोभा को लेकर तुम श्यामनगर गए थे, जब दोनों एक साथ गए थे तो जाहिर सी बात है एक दूसरे के साथ समय बिताने के लिए गए होंगे। सुबह गए थे, दोपहर को वापस आ गए, इतनी जल्दी? जब हम होटल में थे और मेरी वाइफ का फोन आया था, अचानक मेरे बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी और अगर हमें पता लगा ना कि तुमने नहीं बताया है या फिर छुपा रहे हो तो याद रखना जेल का कैंटीन तुम संभालोगे। सर ये सच है कि दोनों में नाजायज संबंध है, लेकिन लगता नहीं कि दोनों में से कोई भी कातिल हो सकता है। बयान भी एक ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों के बयान में। एक पुलिस वाले को दो बातें कभी नहीं बोलनी चाहिए। पहली तो ये है कि किसी के बारे में पर्सनल राय नहीं बनानी चाहिए, और दूसरी ये कि बिना किसी सबूत के किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए क्योंकि इससे वो जांच से भटक सकता है। आई एम सॉरी सर। नो नीड, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस। इस नीरज और शोभा के बारे में और डिटेल्स निकालो, और वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत जल्द मिल जाएगी सर। सर शिप्रा के पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट सर, आप खुद ही देख लीजिए सर। मर्डर के टाइम पर शिप्रा प्रेग्नेंट थी? शिप्रा के प्रेग्नेंट होने की खबर ने इस जांच में एक नई संभावना को जन्म दिया था। पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या सच्चाई वही है जो सामने नजर आ रही थी, या फिर शिल्पा के व्यक्तित्व से जुड़े कुछ पहलू ऐसे भी थे जो अब तक लोगों की नजरों से छिपे हुए थे। इस केस में पुलिस के सामने दो सच्चाइयां थी जिन पर ध्यान दिया जाना जरूरी था। पहली ये कि शिप्रा एक अलग सोच की लड़की थी जो बिना शादी किए मां बनने का ना सिर्फ सपना देखती थी बल्कि अपने उस सपने को लेकर वो काफी ओपन और एक्सप्रेसिव भी थी। और दूसरी ये कि शिप्रा की मां शोभा का एक विवाहित व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध था। ऐसे में दो संभावनाएं बनती थी, पहली ये कि शिप्रा की प्रेगनेंसी ही उसकी हत्या की वजह बनी हो, और दूसरी उसकी मां शोभा के प्रेम संबंध का शायद शिप्रा की हत्या से कोई रिश्ता हो। सच क्या था ये सामने आना अभी बाकी था। बॉयफ्रेंड नहीं, वैसे तो शिप्रा की बहुत सारे लड़कों से दोस्ती थी, पर उसने दोस्ती से आगे कभी किसी से कोई रिलेशन नहीं रखा। हो सकता है फिर उसकी ये प्रेगनेंसी एक्सीडेंटल, शायद उसके साथ कुछ गलत हुआ, शायद रेप। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक बेटी को अपनी माँ पर पूरा यकीन होता है, और इतनी बड़ी बात वो अपनी माँ से नहीं छिपा सकती। ये जो यकीन होता है ना शोभा जी, बड़ी नाजुक चीज होता है। हो सकता है कि एक शादीशुदा आदमी से रिश्ता बनाने के चलते आपकी बेटी के उस यकीन में कुछ दरार आ गई, और शायद इसीलिए उसने अपनी प्रेगनेंसी या फिर उसकी वजह वाली बात आपसे छुपाई। और ये भी हो सकता है कि यही प्रेगनेंसी उसके कत्ल की वजह बनी हो। सर शिप्रा के कॉलेज के लॉकर से मैरिज सर्टिफिकेट मिला, उसने शादी की थी। किससे? शुभ्रत से। मैंने कहा था ना अगर कुछ भी छुपाने की कोशिश करेगा या नहीं बताएगा तो मुश्किल में पड़ जाएगा। सर मुझे जो कुछ भी पता था मैंने आप लोगों को सब कुछ बता दिया। तूने तो कहा था शिप्रा तेरी दोस्त थी। हाँ सर। तो आजकल दोस्ती की डेफिनेशन बदल गई? क्योंकि दोस्ती की ये डेफिनेशन तो मैंने आज तक नहीं पढ़ी जो इस कागज में लिखी हुई है, और यह सिर्फ एक पार्ट। दूसरा पार्ट लिखा हुआ है शिप्रा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, प्रेग्नेंट थी वो। तूने किया था ना उसे प्रेग्नेंट? हाँ सर, वो बच्चा मेरा ही था, लेकिन सर मैंने नहीं। क्या हुआ था? ठीक ठीक बता। सर सच तो ये मैंने शिप्रा को आज तक कभी छुआ तक नहीं था। प्रेग्नेंट कैसे हुई वो? शुभ्रा प्लीज। यू आर रियली मैड शिप्रा? तू जानती भी तू क्या कह रही है? क्या गलत कह रही हूँ मैं? हाँ मैं माँ बनना चाहती हूँ लेकिन मैं शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे सिस्टर पर यकीन नहीं है।
इसमें क्या गलत है शुभ्रतो? मैं अपनी लाइफ अपने बच्चे के साथ अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। शुभ्रतो देख, मैंने सब पता कर लिया है। यहाँ पर कई ऐसे क्लिनिक है जो ये काम करते हैं, तुझे बस मैं साचल के वहाँ पर अपने स्पर्म डोनेट करने होंगे। बस स्पर्म डोनेट? ये तो क्या कह रही है? वो ऐसी लड़की थी सर, जिससे नाराज होना या उसे मना करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल था। फिर मैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड था सर, जाना पड़ा मुझे उसके साथ। लेकिन मैम, अगर मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं अकेले अपने बच्चे को पाल सकती हूँ, तो फिर इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है? किसी भी बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए उसकी नेचुरल बैलेंस ग्रोथ होना बहुत जरूरी है, और उसके लिए उसके माँ बाप का साथ बहुत जरूरी है, और तुम शादीशुदा नहीं हो। ओके, तो अगर मैं कहूँ हम दोनों शादीशुदा हैं तो? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लाकर मुझे दिखाइए। ओके देन, शुभ्रता चल। हमारी शादी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी सर, ताकि शिप्रा अपनी माँ बनने की जिद पूरी कर सके, जो कि उसने करी। एक लड़की जिसने अभी अभी किशोर अवस्था की दहलीज से निकलकर अपने कदम बस जवानी के दायरे में रखे ही थे, वो लड़की बिना शादी किए एक बच्चे को जन्म देकर माँ बनना चाहती थी। शिप्रा की इस चाहत के पीछे क्या वजह रही होगी ये जानना जरूरी था, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी फिलहाल ये जानना था कि शिप्रा की यही चाहत कहीं उसकी हत्या की वजह तो नहीं बन गई। शिप्रा की हत्या के मामले में पुलिस को तीन लोगों पर शक था, पहली शिप्रा की अपनी माँ शोभा, दूसरा शोभा का बॉयफ्रेंड नीरज, और तीसरा शिप्रा का दोस्त और उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता सुब्रतो। और पुलिस का इन तीनों पर शक बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि इन तीनों के पास शिप्रा का कत्ल करने का मकसद था। सर, आईवीएफ क्लिनिक के डॉक्टर का भी वही कहना है जो सुब्रतो ने हमें बताया है। सर, शिप्रा और सुब्रतो की मैरिज सर्टिफिकेट देखने के बाद शिप्रा को आईवीएफ ट्रीटमेंट के थ्रू प्रेग्नेंट किया गया था। बहुत अलग सोच की लड़की थी शिप्रा, लेकिन वो उम्र के जिस दौर में थी उसमें सोच और सच्चाई दोनों बहुत स्पीड से बदलते हैं। हो सकता है कि अपनी सोच के चलते इतना बोल्ड कदम उठाने के बाद उसे सच्चाई का एहसास हुआ और उसने जिद पकड़ ली हो कि शुभ्रतो उस बच्चे को अपनाए, और उससे पीछा छुड़ाने के लिए शुभ्रतो ने उसका मर्डर कर दिया। पॉसिबल है सर, लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि शिप्रा की माँ शोभा को अपने बेटी की प्रेगनेंसी के बारे में पता चल गया हो और इज्जत बचाने के लिए उसने मार दिया हो, अकेले या अपने बॉयफ्रेंड नीरज के साथ मिलकर। पॉसिबिलिटीज दोनों स्ट्रॉन्ग है पार्थ, और मोटिव्स भी। शुभ्रतो तो हमारे पास है, शोभा को फिर से पूछताछ के लिए बुलाओ। ओके सर। अगर ऐसा होता सर तो मेरे लिए तो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। प्यार करता था मैं उससे, शादी करना चाहता था उसके साथ। शुभ्रतो, मुझे ना इस रिश्ते के नाम से भी नफरत है। मैं मर सकती हूँ पर शादी नहीं। कम ऑन यार, समझने की कोशिश करना। उसे शादी से इतनी नफरत क्यों थी? उस वजह का नाम रोबी है, रोबी रंजन। ये कौन है? शिप्रा के पिता और मेरे एक्स हस्बैंड। उन्हें परिवार भी चाहिए था, और परिवार से आजादी भी। परिवार इसीलिए चाहिए था कि समाज में उनका मान बना रहे, और आजादी इसीलिए चाहिए थी परिवार से कि वो अपनी मनमानी कर सके। दारू पीना, दूसरी औरतों के साथ संबंध रखना, ये सब उनके लिए आम बात थी। सर, जो कुछ भी उसने देखा और सहा आना वो कम नहीं था सर। मेरे माँ और बाबा की लव मैरिज थी, दोनों ने वो सारी कस्में खाई थी जो हर शादीशुदा जोड़ा खाता है, लेकिन निभाई दोनों में से किसी ने नहीं। बाबा ने ना कभी माँ का ख्याल रखा ना मेरा, और माँ वो भी खतक सहने के बाद निकल पड़ी अपनी खुशी ढूंढने। नीरज से अफेयर हो गया उनका, लेकिन मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा ना। तो ना मैं वैसी माँ बनना चाहती हूँ, ना वैसी पत्नी। फिर हमारा डिवोर्स हो गया, और हमारे बीच तय हुआ था कि वो मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी में कभी कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन शिप्रा के डैड अक्सर कॉलेज आ जाया करते थे और जबरदस्त तमाशा खड़ा कर देते थे। शिप्रा, शिप्रा, अपने बाबा की इज्जत का ख्याल है कि नहीं? ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सब? जब देखो लड़कों के साथ घूमते रहती है, क्यों क्यों? व्हाटएवर, बाबा आओ, चलो बाबा, चलो बोलती हूँ मैं, चलो। और इन सब बातों का शिप्रा पे यह असर हुआ कि उसको अपने पिता के साथ साथ पति पत्नी के रिश्ते को भी नफरत करने लग गई। कहाँ रहता है रॉबी? जिसने भी मेरी बेटी का खून किया है
छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। छोड़ना पकड़ना पुलिस का काम होता है। पहले ये बताइए कि इस महीने की 6 तारीख को कहां थे आप? आप मुझ पे शक कर रहे हैं? मतलब आपका कहना यह है कि मैंने मेरी बेटी का खून किया है? सर आप होश में तो है? अपनी आवाज और अपने अंदाज को तमीज के दायरे में रखकर बात करो। अपनी बीवी से नहीं पुलिस वालों से बात कर रहे हो तुम। सॉरी सर, 6 तारीख को मैं मुंबई में था, जहांगीर आर्ट गैलरी में मेरी पेंटिंग एग्जीबिशन चल रही थी। आप चाहे तो पूछ सकते हैं। सर हमने कंफर्म किया, शिप्रा के हत्या वाले दिन यानी 6 तारीख को रॉबी सुबह से लेकर रात के 8 बजे तक मुंबई में ही था। ठीक है। शोभा के साथ साथ जितने भी लोगों का शिप्रा से कनेक्शन रहा है सबकी पिछले 1 महीने की कॉल डिटेल्स निकाल और ये भी मैच करो कि उनमें से कौन कौन कब कब किसके कॉन्टैक्ट में रहा, शायद हमसे कुछ छूट रहा है। ओके सर। तकलीफ होती थी ना आपको जब बाबा आपसे छिपकर दूसरी औरतों से रिश्ते रखते थे, तो आप क्या कर रही है माँ? वो आदमी आज अपनी वाइफ को चीट कर रहा है आपके लिए, और जब खुद उस औरत को वही पेन दे रही है जिसे आपने खुद भुगता है, कैसे कर पा रही है पैसा माँ? शिप्रा बेटे माफ कर दे बेटा मुझे। केस कहीं आगे नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि शिप्रा की लाइफ से जुड़ा कोई और पहलू है, कोई ऐसी खास बात जिसका इस केस से संबंध, कुछ ऐसा तो नहीं है जो हमसे छूट रहा है। शिप्रा से जुड़े हर इंसान के रिकॉर्ड्स चेक करो, उसके फ्रेंड से पूछो, टीचर से पूछो, पड़ोसियों से पूछो, और कुछ भी ऐसा नजर आता है जो अलग दिखता है इन्फॉर्म मी। शिप्रा की हत्या होने के दिन से लेकर अब तक इस केस में हर कदम पर नए खुलासे हो रहे थे, फिर चाहे वो उसकी माँ के एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध की खबर हो, या उसके पिता और उसके बीच के रिश्ते की सच्चाई हो, या फिर खुद शिप्रा के प्रेग्नेंट होने की खबर हो। लेकिन इतना सब कुछ सामने आने के बावजूद पुलिस के हाथ वो सिरा नहीं लग पा रहा था जो उन्हें शिप्रा के कातिल और कत्ल की वजह तक पहुंचा पाता। अब पुलिस ने अब तक उठाए अपने हर कदम, मिले हर दस्तावेज और गवाह को फिर से जांचने का फैसला किया, हर रिकॉर्ड को फिर से खंगाला गया, और आखिरकार उनकी ये मेहनत रंग लाई और उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने अब तक दिशाहीन चल रही इस जांच को एक दिशा दे दी। सर, उसकी कॉल लिस्ट में एक नंबर सामने आया है जिससे शिप्रा ने मर्डर होने से एक दिन पहले बात की थी। कौन है ये लड़की? सर, शिप्रा के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ये नंबर देवजानी के नाम पे सेव है, लेकिन इस वक्त ये नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। नेटवर्क प्रोवाइडर से एड्रेस के बारे में पता करो। और सर, मैं ट्राई कर चुकी हूँ लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये नंबर खुद शिप्रा के नाम पे रजिस्टर था। शिप्रा के नाम पे? सर, हमारे लिए बड़ी बात ये है कि जिस वक्त शिप्रा का मर्डर हुआ था उस वक्त इस नंबर का लोकेशन उसके घर के पास यानी उसी इलाके में मौजूद था। गुड जॉब मीपा। मतलब ये देवजानी जो कोई भी है या तो शिप्रा की कातिल है या फिर इस कत्ल की गवाह है। ये नंबर कब से एक्टिवेट किया गया? तकरीबन 2 महीने पहले। और तब से अब तक इसकी ज्यादातर लोकेशन कहाँ रही है? तो ज्यादातर इसका लोकेशन शिप्रा का कॉलेज कैंटीन रहा है। सर, उसी कॉलेज में तो नीरज की कैंटीन भी है। नीरज का शिप्रा की माँ के साथ अफेयर होना, उसको गलत राय देना, हर जगह इसी का नाम सामने आ रहा है। बुलाओ इस नीरज को। यस सर। पिछले 2 महीनों से तेरी और उस देवजानी नाम की लड़की की लोकेशन सेम है, मतलब तेरी कैंटीन। अब सीधी तरह बता दे कि कौन है ये लड़की और इससे रिश्ता क्या है तेरा। सर, आप किस देवजानी की बात कर रहे हैं? हमारे कॉलेज के हॉस्टल में 2 लड़कियां हैं जिनका नाम देवजानी है। वो खाना खाने मेरी कैंटीन में आती है, बस यही रिश्ता है मेरा। क्या नाम है तुम्हारा? देवजानी। देवजानी मित्रो। और तुम्हारा? देवजानी रॉय। शिप्रा को जानती हो? नहीं जानती, उससे ज्यादा हमारी बातचीत नहीं होती थी, वो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं जानते। और वैसे भी उसके दोस्तों में लड़के ही ज्यादा थे, रेयरली लड़कियां दिखती थी उसके साथ। अगर इन दोनों लड़कियों के फोन नंबर और लोकेशन मैच नहीं हो रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि ये सच बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी नजर रखो। यस सर। जिस देवदानी की हम तलाश कर रहे हैं वो उस वक्त मर्डर के समय वहाँ मौजूद थी, तो हो सकता है किसी ने उसे आते जाते देखो, पता करो। यस सर। किसी लड़की को तो नहीं, मगर उस दिन सुबह शोभा को जरूर कहीं जाते हुए देखा था मैंने। नहीं, हमने ऐसे किसी लड़की को नहीं देखा। उस दिन तकरीबन 1:30 बजे की बात होगी, किसी ने मेरे घर के आगे पिंक कलर की एक स्कूटी लगा दी, यहाँ रास्ता ब्लॉक कर दिया था, मैंने आवाज लगाई पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया।
अरे किसका स्टूडियो ये? अरे कहाँ कहाँ से लगा देते हैं ऐसे सामने गेट के बिल्कुल। अब गेट खोलो। अरे मेरा अरे किसका स्टूडियो ये? अरे कनक फिर आधा घंटे के बाद शोभा के घर से एक लड़की निकल के आई। पहले कभी देखा है उस लड़की को? नहीं, वो जरूर बाहर की होगी क्योंकि आसपास की होती तो मुझे पता होता। अगर वो लड़की सामने आ जाए तो पहचान लोगे उसे? नहीं मैडम, इनमें से कोई वो लड़की नहीं है। चलो मतलब दो क्लूज हैं हमारे पास, पहला वो लड़की और दूसरा वो पिंक स्कूटी। और हम ये भी जानते हैं कि दोनों ही शिप्रा के कॉलेज में ही हैं। ढूंढो ने। यस यस सर। पूरे कॉलेज में हमें एक पिंक स्कूटी मिली है जो शोभा के उस कैंटीन ओनर बॉयफ्रेंड नीरज की पत्नी शिखा के नाम पर रजिस्टर्ड है। एक काम करो, इस शिखा की सारी इन्फॉर्मेशन निकालो जो भी डिटेल मिलती है। यस सर। सर, शिखा की कॉल लिस्ट चेक की, इसकी शोभा से कभी कोई बात नहीं हुई, लेकिन हाँ 2 महीने पहले शिप्रा का किया हुआ एक कॉल इसके इनकमिंग लिस्ट में है। 2 महीने पहले एक लड़की का फोन आया था, उसने अपना नाम तो नहीं बताया पर उसने बात ही ऐसे कही थी कि मुझे वो दिन और वो कॉल याद रह गई है। ऐसी क्या बात कही थी उसने? सर उस दिन मेरे पति को कुछ जरूरी काम से बाहर जाना था इसलिए मैं गई थी कैंटीन संभालने। एक ही चाय के निशान है अभी भी वहाँ, ठीक से साफ करना। हेलो, तुम्हारे पति इस वक्त शोभा नाम की एक औरत के साथ है, अफेयर चल रहा है दोनों का। लेकिन तुम कौन बोल रही हो? वो दोनों जा रहे, मैं तुम्हें उस जगह का एड्रेस भेज रही हूँ, जाकर खुद देख लो, तुम्हें यकीन हो जाएगा। हेलो हेलो हेलो, इसलिए मैं सर फिर मजबूरन उसकी बताई हुई एड्रेस पर पहुंची। मैं शिखा हूँ, नीरज दे की पत्नी, जिनकी कार आपके घर के बाहर खड़ी है, यही है ना वो? शिखा तुम यहाँ? तो ये था आपका जरूरी काम जिसके लिए आप निकले थे? कौन है ये औरत और आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दूर के रिश्ते की मेरी बहन लगती है। बहन? दीदी ये मेरी वाइफ है शिखा। सच पता नहीं कौन थी वो लड़की और क्यों उसने इतना बड़ा झूठ बोला। तो वो शोभा तो बहन लगती थी उनकी। ठीक है, जा सकती हैं। गौरव, ये थी वो औरत? नहीं सर, ये वो औरत नहीं है, वो तो कोई जवान सी लड़की थी। सर मुझे इस लेडी शिखा की बातों पर यकीन नहीं हो रहा। इसके पति ने इसे कहा कि शोभा इसके दूर के रिश्ते में बहन लगती है और इतनी आसानी से मान लिया। इतनी बेवकूफ तो नहीं लगती सर, झूठ बोल रही होगी। हो सकता है शिखा भी यहाँ बेवकूफ बनने का दिखावा कर रही हो। सर तो फिर यह भी तो हो सकता है कि शिखा ही शिप्रा के मर्डर के लिए जिम्मेदार हो। ऐसा कहना थोड़ा मुश्किल है। हाँ अगर मर्डर शोभा का हुआ होता तो बात कुछ और, लेकिन शिप्रा तो यहाँ उल्टे शिखा की मदद ही कर रही। फिर इस केस में शिखा को उसे मारना या मरवा देना कोई वजह नजर नहीं आती। हाँ, लेकिन एक बात मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस कत्ल से कोई ना कोई कनेक्शन तो है, नीरज शिखा या फिर शोभा का। हेलो, क्या कब?
शिप्रा की हत्या के बाद उसकी माँ की भी उसी के घर में हत्या कर दी गई और इस हत्या के बाद ये मामला और भी पेचीदा हो गया। क्या शोभा की हत्या का उसकी बेटी शिप्रा की हत्या के साथ कोई संबंध था? क्या इन दोनों हत्याओं के लिए एक ही व्यक्ति जिम्मेदार था? ये कुछ नए सवाल थे जो पहले से अनसुलझे सवालों की लिस्ट में शामिल हो चुके थे, लेकिन जवाबों के पन्ने कोरे पड़े हुए थे। जांच दल का सब्र भी अब जवाब दे रहा था और अब उन्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए थे किसी भी कीमत पर। सर मेरा जो भी रिलेशन था शिप्रा के था सर, उसकी मॉम से तो मेरी बात तक नहीं हुई। मैं पूरा दिन घर पे सो रहा था। आप चाहे तो चेक कर लीजिए। सर शिप्रा के मर्डर के बाद मैं बहुत डर गया था सर। मैंने उसके बाद उससे रिश्ता ही तोड़ दिया। मैंने कभी उससे बात नहीं की। एक काम है तो इनमें से किसी एक का। एक काम करो, शोभा की डेथ के क्राइम सीन के आसपास के सारे फिंगरप्रिंट्स ले लो। सारा सच सामने आ जाएगा। यस सर। आपका अंदाजा सही था सर, सीन ऑफ क्राइम से मिले फिंगरप्रिंट्स का मैच मिल गया है। कौन है वो? क्यों मारा शिप्रा की माँ शोभा को? बिल, मैंने शोभा का खून किया। मेरा दिमाग फिर गया था। वो शुरू से ही मेरी बेटी को मेरे से मिलने देती नहीं थी, मेरे खिलाफ भड़काती थी। मैं कुछ नहीं बोला। मेरी बीबी और उस घटिया कैंटीन वाले साथ चक्कर था और ये दोनों ने मिलकर उसको मारा है। इसका बदला लेने के लिए मैं उसके घर गया। सिर्फ अपने शक के चलते जान ले ली तूने उसकी। पर शिप्रा, वो तो तेरी बेटी थी ना, उसे क्यों मारा? मैंने शिप्रा को नहीं मारा। क्या लगता है सर, शिप्रा के कत्ल में इसी का तो हाथ नहीं है? और तो ऐसा कोई कारण नजर नहीं आ रहा जिसके चलते इसने शिप्रा का कत्ल किया हो या फिर करवाया। आई थिंक हमें उस लड़की देवजानी पर ही कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि वो जो कोई भी है ये तो क्लियर है कि शिप्रा से उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती है। और क्योंकि कॉलेज में कोई और देवजानी नहीं है, आई थिंक ये दोस्ती कहीं बाहर हुई हो। सर ऐसा तो नहीं कि दोनों की दोस्ती किसी सोशल मीडिया साइट पर हुई हो, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स ऐसे साइट्स पर काफ़ी एक्टिव रहते हैं। लैपटॉप का शिप्रा का ही है। इसका पासवर्ड मालूम है आपको? शिप्रा के लैपटॉप की इंटरनेट हिस्ट्री में जाकर चेक करो, क्या वो ऐसी कोई साइट विजिट करती थी। और हाँ, तो उसका अकाउंट चेक करो। ओके सर। सर फ्रेंड लिस्ट में देवजानी नाम की एक लड़की है, लेकिन उसकी कोई फोटो नहीं है सर। प्रोफाइल चेक करो। कोई डिटेल नहीं है सर, सिर्फ इतना लिखा है कि वो एसएन के कॉलेज यानी कि शिप्रा के कॉलेज के हॉस्टल में रहती है। शिप्रा और इसके बीच कोई कॉमन फ्रेंड भी नहीं है सर, लेकिन अजीब बात तो ये है कि शिप्रा के अलावा देवजानी का और कोई फ्रेंड भी नहीं है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है ये प्रोफाइल फेक हो और किसी ऐसी लड़की ने बनाया हो जो शिप्रा और देवजानी दोनों को जानती हो। देवजानी ने लिखा है कि उसके पास कोई वैलिड आईडी ना होने की वजह से वो यहाँ सिम कार्ड नहीं ले पा रही है। शिप्रा ने लिखा है कि वो उसे अपनी आईडी पर सिम दिलवा देगी। एक और बात नोटिस करने वाली है सर, इनके बीच जो भी चैटिंग होती थी ज्यादातर रात को होती थी, मतलब कॉलेज टाइम के काफी बाद। मतलब ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि ये देवजानी शायद शिप्रा के कॉलेज में पढ़ती ही ना हो और उसने उससे झूठ कहा। लेकिन सर लोकेशन रिपोर्ट के हिसाब से सिम इशू होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम कॉलेज के आसपास ही थी लोकेशन, तो कैसे पॉसिबल हो सकता है? इस लैपटॉप को साइबर सेल भेजो और उनसे कहो कि पता करें कि देवजानी का ये जो अकाउंट है ये कौन से कंप्यूटर से बनाया गया। आई थिंक आईपी एड्रेस को ट्रैक करके हमें उसकी लोकेशन मिल सकती है। यस सर। देखो हमारे पास सबूत है कि वो नकली फ्रेंड बुक अकाउंट तुम्हारे कैंटीन वाले कंप्यूटर से बनाया गया था। अब सीधे तरीके से बता दो, अकाउंट तुमने बनाया था या फिर आपने? सर मैं तो कभी कभी कैंटीन जाती हूँ, मुझे तो ये सब कंप्यूटर चलाना नहीं आता। सर उस कंप्यूटर से हम हिसाब किताब और बिल वगैरह बनाते हैं। ये फ्रेंड बुक वगैरह तो मैंने जो कैंटीन में स्टूडेंट आते हैं उनके मुँह से सुना है। उससे क्या होता है, वो किस काम आता है, मुझे नहीं पता। सर ये लोग ऐसा नहीं मानेंगे। कोई ऐसा है जो कैंटीन में ही रहता है? सर कैंटीन में काम करने वाले कुछ बाहर से हैं जो वहां रहते हैं। 6 तारीख की दोपहर में आपने अपनी स्कूटी किसी को दी थी? मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, वैसे मैं अपना स्कूटी किसी को नहीं देती हूँ। हाँ कभी कभी शुजाय को दे दिया करती हूँ, अगर दी होगी तो उसी को दी होगी। शुजाय कौन है? सर रिश्ते में मेरा भाई लगता है। वो कैंटीन में ही रहता है? हाँ वहीं पे रहता है, वहीं पे सोता भी है। उसे कंप्यूटर चलाना आता है? हाँ सर, वो थोड़ा पढ़ा लिखा है और कभी कभी बिल वगैरह वही बनाता है। उसका कोई फोटो है आपके पास? हाँ सर दिखाइए। हाँ।
है। चलो भैया। कैशन, चलिए क्या? विशुजय कहाँ है? पता नहीं सर। जब आप लोग सर और मैडम को यहाँ से लेके निकले, उसके थोड़ी देर बाद ही वो अपना बैग लेकर यहाँ से चला गया। पार्थो। यस सर। निकल गया। अगर उसका प्लान शहर छोड़कर भागने का है तो बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन जरूर जाएगा। शहर के सारे खबरियों में उसकी फोटो सर्कुलेट कर दो। ओके सर। सर, सुजय से मिलते जुलते हुलिया वाले लड़के को हाथी बगान के एक शादी में वेटर बने हुए हमारे इन्फॉर्मर ने देखा है। चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला। जिस चाकू से शिप्रा का कत्ल हुआ था उस पर मिली उंगलियों के निशान तेरी उंगलियों के निशान से मैच करते हैं। और कैंटीन में जो सामान छोड़ा था ना, उसमें लड़कियों के कपड़े, वेग, मेकअप का सामान सब कुछ मिला है। तो हमें ये तो मालूम है कि तू ही देवजानी है और तूने ही फ्रेंड बुक पर नकली अकाउंट बनाया था और शिप्रा का कत्ल भी तूने ही किया है। जानना यह है कि क्यों और किसके कहने पर। किसी के कहने पर नहीं मारा। बहुत फटाखा लड़की थी वो। मेरा दिल आ गया था उस पे। माँ बनना चाहती थी वो भी बिना शादी के। बेसिकली बात ये है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ। माँ बनना चाहती बिना शादी के। बिना शादी के? बिना शादी के? What rubbish? लड़की बनने का ख्याल कहाँ से आया था तुझे? क्या मिलने वाला था उससे? एक किताब पढ़ी थी मैंने, जिसमें एक आदमी औरत बन के दूसरी औरत से दोस्ती करता है और जब वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते तो आदमी उसे अपनी असलियत बता के उसे पकड़ लेता है। औरत पिघल जाती है और वो हाँ कर देती है। मैंने भी वैसे ही करने का सोचा था। फिर मुझे पता चला कि वो फ्रेंड्स बुक पर है। मैंने भी अपना अकाउंट बनाया देवजानी के नाम से और उसे रिक्वेस्ट भेजी। पहले तो उसने बहुत भाव खाया, फिर वो मान गई और हमारी दोस्ती हो गई। रात को कैंटीन बंद होने के बाद मैं उससे चैटिंग करता था। प्यार करता था तो मारा क्यों उसे? मारना नहीं था मुझे उससे, पर उस दिन। पता है शिप्रा, मेरे पापा ने मेरे मम्मा को छोड़ दिया था। तब से मुझे किसी पर विश्वास ही नहीं रहा। कोई नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। थैंक यू शिप्रा, तुम बहुत अच्छी हो। क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, अब बता दे तुझे। तुम डरो नहीं शिप्रा, मेरा कोई इरादा नहीं तुम्हें मारने का। प्लीज प्लीज, मैंने क्या बिगाड़ा तुम्हारा? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम समझने की कोशिश करो। नहीं मारेगा तू? हाँ, नहीं मारेगी? इसलिए भाग रहा था ना, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि इंसान का किया कभी उसका पीछा नहीं छोड़ता है। मासूम लड़की की जान ले ली तूने, वो भी एक घटिया से नॉवेल की घटिया सी कहानी पढ़कर। जिंदगी भर जेल में सड़ना। हमारे पुरुष प्रधान समाज ने अपनी सोच में महिलाओं को लेकर एक सांचा बना रखा है। जो महिला उस सोच के सांचे में फिट बैठती है वो सही कहलाती है, और जैसे ही कोई महिला उस सांचे के अनुरूप ढलने से इनकार कर देती है तो तूफान आ जाता है। शिप्रा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वो बिना शादी के मां बनना चाहती थी, ये जानते ही सुजय का उसकी तरफ देखने का नजरिया ही बदल गया। पर शिप्रा की ये चाहत उस दर्द से जन्मी थी जो दर्द उसे अपने माता पिता के बीच की कड़वाहट से मिला था। लेकिन इस बात से अनजान सुजय ने उसकी इस चाहत को उसके चरित्र से जोड़कर देखा और वो उसे एक आसान शिकार नजर आने लगी जो खुशी खुशी उसकी हवस को मिटाने का साधन बन सकती थी।
लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ और शिप्रा ने इस बात का विरोध किया तो उसकी मर्दानगी को ठेस पहुंची और उसने शिप्रा की हत्या कर दी। जब तक हमारे समाज में पुरुषों और महिलाओं को लेकर दोहरे मापदंड कायम रहेंगे तब तक इसकी कीमत शिप्रा जैसी बच्चियों को अपनी गरिमा और अपनी जान देकर चुकानी पड़ती रहेगी। ये बेहद जरूरी है कि हम अपनी सोच में बदलाव लाएं और ये सिलसिला यहीं खत्म हो। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को। सीख हम सबको। जय हिंद।